हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बता दूंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर वॉच करना। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर वॉच करना है। और साथ साथ मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ आपने उस स्टेप को फॉलो करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप पे जो प्रोफाइल बटन है आपने इस प्रोफाइल बटन पे क्लिक कर लेना है। जब प्रोफाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपने सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट सेंटर है, तो पहले यहाँ पर अकाउंट सेंटर नहीं हुआ करता था। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपने सबसे पहले तो फेसबुक को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे आपने क्या करना है, क्लिक कर लेना है अकाउंट सेंटर। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, जहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर लेना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपने अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक कर लेना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पे है डीएक्टिवेट, तो यहाँ पे सेकंड पे है डीएक्टिवेशन और डिलीट, तो आपने क्या करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। क्योंकि हम फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक पे ही क्लिक कर लेना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले पहला ऑप्शन है कि डीएक्टिवेट आप अकाउंट करना चाहते हैं या डिलीट अकाउंट करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम डिलीट अकाउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये जो अकाउंट है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग माई